पनीर पेटीज इसलिए मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि सस्ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स रोहित ब्लॉग्स। और बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर से ब्लॉग डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने एक शूट भी किया था गर्मी की छुट्टी में। मैं अपना टैटू थोड़ा सा रिपेयर मतलब ठीक से उसको और अच्छा करवाने गया था और एक नया टैटू मैंने बनवाया अपने हाथ पे माँ पापा का, तो वो मैं डालना चाह रहा था। लेकिन उससे पहले मैं ये डाल रहा हूँ, अगर आपको वो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग डालिएगा कि हाँ वो टैटू वाला ब्लॉग भी डालिए। तो दोस्तों एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग छोड़ रहा था क्योंकि एक तो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, मेरे पास कंटेंट नहीं था क्योंकि मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि जिसके साथ बनाओ तो उसको कभी किसी को पसंद आए ना आए मेरे साथ वीडियो में आने का, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग छोड़ रहा था। लेकिन फिर YouTube का एक नोटिफिकेशन आया है कि शायद वो लोग 500 पर ही मोनेटाइजेशन करने वाले हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने देखा कि अरे मेरे तो 500 प्लस अभी सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्यों ना और मैं मेहनत करूं और अपने चैनल को और बिल्ड करूं। तो इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया और आज है 25 जून और कल हमारा स्कूल खुलने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग 19 तारीख से ही आ रहे हैं टीचर्स, तो आज मैं काफ़ी लेट उठा संडे को। संडे मेरे लिए सोने का दिन होता है, मतलब गोल्ड नहीं स्लीपिंग वाला सोना, तो मैं आज जगा हूँ लगभग 1:25 पर जगा हूँ। और अभी मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, ब्रश करने के बाद फिर से मुझे कुछ कपड़े धोने हैं, रूम की साफ सफाई करनी है, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ चीज़ें खरीद कर लानी है अपने जिम डाइट का। आजकल मैं जिम भी जा रहा हूँ, उसकी ब्लॉग में मैं डालूंगा। तो इन सारी चीज़ों को करना है और थोड़े से हेयर ट्रिम कराने हैं इधर साइड से और थोड़े से दाढ़ी मूंछों को सेट कराना है ताकि स्टूडेंट्स के पास बनवाने उसकी तरह जाओ। तो बने रहिए ब्लॉग में, हम आगे मिलते हैं। काम क्या थोड़ा सा चेंज करो सर, क्या है कि क्यों ना साथ में चले हम लोग, जब बाहर जाना ही है तो खाना वाना हो गया, खाना वाना हो जाए इनका। ये चावल देखिए इनका बच गया, तो चावल इनका प्रिपेयर हो गया है और अब ये दाल चावल खाएंगे, उसके बाद वो निकलेंगे। आपको भी बल होगा डाला कुछ चार को बाल है ठीक है, तब तक हम मैं क्या करूँगा, कुछ बनाऊंगा अभी नहीं बनाऊंगा, मैं बाल बाल कटा के आके तब बनाऊंगा, उसके बाद हम खाएंगे और उसके बाद रूम की सफाई होगी। टिफिन दीक्षा मैम की टिफिन का कवर है, धोकर के रखा गया है सूखने के लिए। तो दोस्तों हमारे तो सर कपड़े धोते हुए और गाना सुनिए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। हमारे सर कपड़ा धोते, आपको कपड़ा धोते हुए कैसा फील हो रहा है? गीला। अगेन गीला आंसर। जो है सीजर प्लाजा जहाँ मतलब बाल बाल कटवाएंगे, देखते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। भाई साहब भीड़ तो दबा गया लग रहा है अंदर में, खाली तो है भैया, खाली भैया इसके बाद खाली होंगे। हाँ कितने बजे तक? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब आधा घंटा की मतलब एक घंटा अब बता दीजिए, उसी हिसाब से आएंगे कि बैठ जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। तो अभी हमारे भैया बताएं कि अभी आधा घंटा वेट कर ले तो बाल हमारा कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बाहर जाकर धूप में जलने से बढ़िया ऐसी में बैठो, क्यों करो सर? सही बात है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे बाल बाल कटाने के लिए। भैया आप देखते हैं कब काटेंगे मतलब बाल। फ्रेंड्स हम बाल कटा चुके हैं, दाढ़ी सेट करा चुके हैं और हमारे साथ हो चुका है एक स्कैम, और वो है कि स्कूल अब कल नहीं खुल रहा है। स्कूल खुल रहा है 3 तारीख को हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, लेकिन हम जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है गौरव जी? बच्चे नहीं आएंगे लेकिन हम लोग जाएंगे, कैसा फील हो रहा है? अच्छी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, एंजॉय करेंगे। लेकिन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू की जाएंगी, जो मेन सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही इधर, तो जो मेन सब्जेक्ट है उसको लेकर के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी।
ताकि उनका कोर्स पीछे ना हो, वरना फिर एक सप्ताह इधर भी और कोर्स पीछे हो जाएगा ना इन सारी चीजों को देखते हुए। तो अभी क्या प्लान है, कहाँ चलना है? हॉस्टल। अरे अंडा खरीदने चल रहे हैं, अंडा लेना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंडा खरीदने, तो जा रहे हैं हम लोग सिफ्टन रोड। यहाँ पर अंडा ऐसा भाई मतलब पूछिए मत, इतना सारा अंडा। तो अब यहाँ से हम लोग ई रिक्शा लेते, चलिए 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 चलिए। मिल चुका है ई रिक्शा और हम लोग जा रहे हैं अपने ई रिक्शा पर जहाज की तरह। क्या स्पीड है भाई साहब, अरे भाई साहब स्पीड तो पूछिए मत, जहाज पहले। दोस्तों पीछे हम लोग अंडा लेने आए थे, और मतलब पीछे नहीं मतलब वहाँ पर अंडा बिक रहा है, पीछे देख रहे होंगे। तो हमने लिया है एक ट्रे अंडा, पड़ा है 160 रुपया, मतलब एक अंडा लगभग 5 रुपया समथिंग। तो सस्ता यार, 8 रुपये का एक उबला हुआ मिलता है, बस हम इसको उबाल लेंगे, क्यों करो सर, सस्ता पड़ ही गया। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे और तब तक मुझे दिख गया C3 के कुक एंड कैफे। तो मुझे कितना भी फिटनेस फ्रीक बन जाओ, लेकिन यहाँ इसके आगे से या फिर केक टाउन के आगे से गुजरता हूँ तो लाला चाह लप लप हो जाता है। तो हम खाने आ गए हैं, तो मैंने ऑर्डर किया एक पनीर पेटीज, और गौरव सर ने भी किया है। पता है क्यों पनीर पेटीज इसलिए मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि सस्ता है। आ गया मेरा पनीर पेटीज, ये देखिए। इसके बाद सॉस केचप लेना और खाएंगे हम। तो बहुत हो गया काम, जिसमें हमने खरीदा एग्स, कटाए बाल, सेट कराई अपनी दाढ़ी, और यहाँ पर गौरव ने लिया है पतंजलि। हम स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब हम लोग कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, बस पतंजलि का ओट्स उन्होंने खरीदा है। तो दोस्तों यहीं पर हम करते हैं अपने ब्लॉग को ख़त्म, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए कैसे करें, हर हर महादेव।